पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल नेसेसरी होता है। हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखेंगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। तो नाउ एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसका लीफ लॉन्ग और नैरो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ पॉटेड प्लांट Having long and narrow leaf. हमने पॉटेड प्लांट ले लिया जिसका लीफ लॉन्ग और नैरो है। इस पॉटेड प्लांट को हम अब डार्क प्लेस में रखेंगे 3 से 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन के लिए इस पॉटेड प्लांट को क्यों रखते हैं डार्क प्लेस में? ताकि इसमें जो स्टोर्ड स्टार्च है वो खत्म हो सके। फिर 3 से 4 दिन के बाद हम इस पॉटेड प्लांट के एक लीफ के हाफ पार्ट को हम एक ग्लास जार के अंदर रखेंगे। तो पुट द हाफ पार्ट ऑफ लीफ इन ग्लास बॉटल हैविंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड क्लोज द माउथ ऑफ बॉटल बाय द कॉर्क। हम इस पॉटेड प्लांट के हाफ लीफ को ग्लास बॉटल में करेंगे और हाफ लीफ को बाहर छोड़ देंगे और उस ग्लास बॉटल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम इसलिए रखते हैं ताकि रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जब लीफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकले वो कार्बन डाइऑक्साइड ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर ले। तो हम इस बॉटल ग्लास में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे और लीफ के हाफ पार्ट को इसके अंदर रखेंगे और कॉर्क से रबर कॉर्क से इसके माउथ को टाइटली बंद कर देंगे ताकि एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड इस बॉटल के अंदर इंटर ना कर पाए। अब इस पूरे एपरेटस को पूरे सेटअप को हम ब्राइट सनलाइट में रखेंगे। तो प्लेस द पॉटेड प्लांट इन सनलाइट फॉर 3 to 4 days। इस पूरे एपरेटस को हम ब्राइट सनलाइट में रखेंगे 3 से 4 दिन के लिए ताकि ये फिर से स्टार्च का सिंथेसिस कर सके। 3 से 4 दिन के बाद हम इस लीफ को प्लग करेंगे। लीफ को प्लग करने के बाद लीफ को प्लग कर लिया। अब इस लीफ को हम वाटर में बॉयल करेंगे। वाटर में क्यों बॉयल करते हैं? ताकि सेल मेम्ब्रेन टूट सके और आयोडीन सॉल्यूशन परमेबल हो सके और हर एक सेल तक पहुंच सके। वाटर में बॉयल करने के बाद फिर से इसे हम एल्कोहल में बॉयल करते हैं ताकि क्लोरोफिल रिमूव हो सके। नाउ बॉयल द लीफ इन एल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल। एल्कोहल में हम बॉयल करें। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि एल्कोहल में बॉयल करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एल्कोहल को डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में रखकर हम लीफ को बॉयल नहीं करते हैं, क्योंकि एल्कोहल हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है जो फ्लेम के कांटेक्ट में आने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। तो हम एक वाटर बाथ लेंगे, उसमें उस बीकर को रखेंगे जिसमें एल्कोहल और लीफ प्रेजेंट होता है। फिर उस वाटर बाथ को हीट करेंगे। तो जैसे जैसे वाटर बाथ में प्रेजेंट वाटर हीट होगा एल्कोहल भी हीट होगा, फिर ये बॉयल करना शुरू करेगा। तो इस तरह लीफ से क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। देन हम इस लीफ को निकालेंगे और इसे वॉश करेंगे हॉट वाटर से। तो नाउ वॉश द लीफ इन हॉट वाटर टू रिमूव स्टिकी क्लोरोफिल। इसको हॉट वाटर से हम वॉश करेंगे ताकि इसमें चिपका हुआ जो क्लोरोफिल हो लीफ से निकल जाए। देन इस लीफ को हम पेटी डिश में रखेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। हम अब ऑब्जर्वेशन देखेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन हमने देखा, हमने पाया कि लीफ का वो पार्ट जो बॉटल के बाहर था, ग्लास बॉटल के बाहर था, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होना इस बात को कंफर्म करता है कि वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, और स्टार्च का फॉर्मेशन इस बात को कंफर्म करता है, बात को प्रूफ करता है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था एटमॉस्फेयर में। लेकिन लीफ का वो पार्ट जो ग्लास बॉटल के अंदर था वो कलरलेस रह गया। कलरलेस रहना इस बात को कंफर्म करता है, इस बात को प्रूफ करता है कि वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। स्टार्च का फॉर्मेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट था। हमने बॉटल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख रखा था ताकि लीफ रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाले वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर ले। कॉर्क से हमने उसके माउथ को बंद कर रखा था ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से उसके अंदर इंटर ना करने पाए। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर बाकी 3 चीजें हमने प्लांट को सप्लाई किया था। ट्रांसपेरेंट ग्लास जार था तो सनलाइट पहुंच रही थी,
वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा था और क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट था। लेकिन चौथी जो कंडीशन नहीं मिली वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस।